बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। ताबाज यूनिक ट्रेजर वर्ल्ड में खुश आमदीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताबाज यूनिक ट्रेजर वर्ल्ड। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी, लाजवाब सी, बहुत ही झटपट और यूनिक तरीके से आपको मैं अचार गोश्त की रेसिपी बताने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी अचार गोश्त बनता है, बन के रेडी होता है कि आप जब आप बनाएंगे और खिलाएंगे, खाने वाले आपके उंगलियाँ चूमेंगे, आपकी उंगलियाँ चूम चूम के जो है चूमेंगे और उंगलियाँ चुम चुम के आप उंगलियाँ ही खा जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं ऐसी मजाक कर रही थी, उंगलियाँ खाने वाली बात नहीं है, तो गलत बात हो गई है। सही है, तो बस मजाक था ये। तो बस ये मैंने प्याज ले ली थी, कट कर ली थी, गोश्त ले लिया है मैंने। सही है, तो बोनलेस गोश्त है, तो अचार गोश्त में बोनलेस गोश्त हमेशा शामिल किया जाता है। और मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल के अंदर मैंने एक अदर छोटा टुकड़ा दालचीनी का टुकड़ा डाला है और जीरा डाला है 1 टीस्पून को जो है कड़कड़ा लेंगे। फिर प्याज शामिल कर देंगे, प्याज इसमें ज़्यादा जाएगी। अचार गोश्त में प्याज शामिल नहीं की जाती, मगर मैं अपने यूनिक तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको ग्रेवी अच्छी सी मिले, थिकनेस मिले, मतलब आपको जो है एक अच्छी सी लाजवाब सी जो है इसमें आप ग्रेवी शोरबेदार सालन आपको मिलेगा। आप दाल चावल के साथ, पराठे, रोल, चपाती, नान सबके साथ आप खा सकते हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त ये बन के रेडी होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी, इसको ज़्यादा लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना है, बस हल्का सा सौते कर लेना है। सौते का मतलब ये है कि आपकी प्याज जो है नरम हो जाए, प्याज नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती जाती हूँ, आप पूरा पूरा फॉलो कीजिए, पूरी पूरी रेसिपी वॉच कीजिए। के अंदर जो है मैंने साबित लाल मिर्च 6 से 7 अदर डाल दी थी, इससे अच्छा जायका आया था अचार गोश्त का। अचार गोश्त का लाजवाब जायका चाहिए तो साबित लाल मिर्च स्किप मत कीजिएगा, तो बहुत ही लाजवाब से ये टेस्ट निकल कर आता है। प्याज हमारी नरम हो चुकी थी, सौते हो चुकी थी, इसमें गोश्त शामिल कर दिया। अब गोश्त शामिल करके अच्छी तरीके से भून लेना है, पानी गोश्त इतना भूनना कि सब अपना पानी स्मेल सब खत्म हो जाए। अच्छी तरीके से भून लेना है प्याज के साथ, तकरीबन 5 से 8 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेनी है गोश्त ही प्याज के साथ। इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो चुकी थी, 8 मिनट तक मैंने भुनाई की थी। लहसुन का पेस्ट डाला है और ये हमारे पास प्याज का जो थोड़ा सा बचा हुआ पानी था वो शामिल कर दिया है। अगर आपके पास हो तो शामिल कीजिए, मैं पानी शामिल कर लिया ताकि लहसुन का पेस्ट जले ना, तो मेरे पास बचा हुआ था पानी तो वो मैंने शामिल कर दिया था। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। अगर आप शामिल करना चाहते हो तो कर लीजिए ना, प्याज ही काफ़ी है, बहुत सही है। तो उसको फिर भुनाई कर लेंगे, अब इसके साथ भी लहसुन का पेस्ट भून लेंगे अच्छी तरीके से। हमने भुनाई के बाद दही डाल दी थी, दही जो है हमने जो है 1/2 कप के करीब डाली थी। सही है, आप अपने गोश्त के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये 1/2 किलो गोश्त था तो उसमें 1/2 कप के करीब दही डाल दी थी। तो अब इसको भी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने से पहले इसमें कुछ और मसाले भी साथ साथ ऐड करती जाऊँगी। तो कुछ हल्दी है हमारे पास 1/4 टीस्पून है, और साथ में जाएगी रेड चिली पाउडर 1 टेबल 1 टीस्पून, और साथ में जाएगा इसके अंदर चाट मसाला पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है,
और साथ में इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। तो गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया था। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने कुछ और चीज़ें भी शामिल की। धनिया पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून। तो धनिया पाउडर ज़्यादा जाता है क्योंकि ये प्याज की मिठास जो होती हो उसको कम करने में हेल्पफुल होता है। तो धनिया पाउडर ज़रूर डालें, ज़्यादा डालें। और 1/4 टीस्पून कुटा हुआ धनिया था, क्रश धनिया, भुना कुटा जो धनिया होता है वो डाल दिया था। और भुना कुटा जीरा भी साथ में शामिल कर दिया था इसके अंदर मैंने। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है अचारी गोश्त का। तो यूनिक रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी बनती है ये। और इसमें 4 गोल मसाला मैंने शामिल कर दिया, आधा मैंने जो है मिर्चों में डाल दिया था लेमन लगा कर, और आधा मैंने इसमें डाल दिया है मसाले में। इस तरीके से मैं तमाम मसाले डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक अभी नहीं डालूंगी मैं, नमक जो है 4 गोल मसाले में ऑलरेडी होता है, 4 मसाले में ऑलरेडी होता है, इसलिए मैंने फिर नमक शामिल नहीं किया है। सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे, मसाले की कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है कि बस दिल चाह रहा है अभी जो है पके फ़ौरन जिसको बन निकालें और खा लें प्लेट में। और बहुत ज़बरदस्त लाजवाब सी खुशबू आ रही है। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत 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 थैंक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर नए नए हैं, फर्स्ट टाइम एक वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, तमाम से दरख्वास्त है मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन पसंद आना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था, भुनाई इसी तरीके से हो चुकी थी। अब पानी शामिल करने के बाद इसको जो है मैं अच्छी तरीके से तमाम मसालों को जो है मिक्स करने के बाद इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी 1 घंटे के लिए, क्योंकि ये बड़े का गोश्त है तो जो गाय का गोश्त देर से गलता है, तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा इंशाल्लाह इसको। और ये गल जाएगा तो फिर मैं आपसे 1.5 घंटे के बाद मिलूंगी। तो मुझे चखने के बाद नमक थोड़ा कम लगा, तो फिर मैंने नमक शामिल किया। बाद में मिलती हूँ 1/2 घंटे 1.5 घंटे के बाद, फिर मिल गई थी। देखें कितना ज़बरदस्त मज़ेदार था, ये हमारा रेडी हो गया है, गल गया है। तो इसके अंदर अब मैं कुछ और चीज़ें साथ साथ शामिल करूँगी, पहले अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो प्याज जितने अच्छे तरीके से आप भुनाई करेंगे, चमचा चलाते जाएंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से प्याज घुल जाएगी, मसाला बन जाएगी, पेस्ट बन जाएगी। खड़ी खड़ी प्याज मुँह में कभी नहीं आएगी, नज़र ही नहीं आएगा कि आपने इसमें प्याज डाली है। सही है, तो ये मैंने फाइन रफली कट करके प्याज डाली थी, तब भी वो अच्छी तरीके से पेस्ट बन गया, बिल्कुल घुल गई थी। और ये रिवाज का तो है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मैं हर खाने में हर गोश्त का जब भी सालन बनता है रिवाज ज़रूर ले लेती हूँ, और रिवाज मेरी बहन लेकर आती है, तो सबको ही पसंद है घर में माशाल्लाह से रिवाज। तो रिवाज का जायका ही अलग होता है, इसको मुँह में घुल जाता है घी की तरह, असली घी की तरह। तो बहुत ज़बरदस्त ये रिवाज बन के रेडी होता है, रिवाज से बहुत ज़बरदस्त जायका इन्हेंस होता है, क्रिएट बहुत ज़बरदस्त तरह से इन्हेंस होता है। तो प्याज के साथ इस तरीके से मसालों की भुनाई हो गई थी, गोश्त की सबकी भुनाई हो गई। अब मैं टमाटर शामिल किया है, तो अब इसको मज़ीद हम इसको जो है धीमी आंच पे रख देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। सही है, इसकी भुनाई भी अच्छी तरीके से हो जाए, तो फिर दोबारा हम भुनाई करेंगे, तो फिर दोबारा ये ज़रा सी भी प्याज बाकी नहीं रहेगी, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी भुनाई हो जाएगी। देखिए टमाटर ने अब तो पानी छोड़ दिया था, और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा बन के रेडी होने वाला है लाजवाब। सब अच्छा थोड़ी सी देर की बात है और ये ज़बरदस्त हमारा रेडी हो जाएगा। तो अब इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च डाल दी थी, ऑप्शनल है, अगर आपको तीखापन पसंद है तो इसमें तीखापन थोड़ा कम था, तो मैंने ऐसे ऐसे और डाल दिया। कुटी लाल मिर्च जो है अचारी गोश्त की जान है, अगर आप ये डालते हैं तो वेल एंड गुड लाजवाब टेस्ट पाएंगे आप कुटी लाल मिर्च डालने के बाद। तो इसमें कुटी लाल मिर्च मैंने शामिल कर दी थी, अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है इसकी। और मैंने भुना कुटा जीरा भी शामिल किया था, वो मैं वीडियो बना नहीं सकी तो बता दिया है मैंने। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद आगे क्या करूँगी, पूरी फुल वीडियो वॉच कीजिए, स्किप वॉचिंग।
तो टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, मसाले के साथ घुल मिल गए थे, रच बच गए थे। सच्ची से चलाते चलाते इसको हमें मिक्स कर लेना है, अच्छी तरीके से भून लेना है चला चला कर। जितना हम जमकर चलाएंगे उतनी अच्छी भुनाई होगी, उतना ही अच्छा टमाटरों का और प्याज का जो है पेस्ट बन जाएगा, बहुत ज़बरदस्त था, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरीके से जो है ज़बरदस्त ही ग्रेवी बन के निकलेगी। तो अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है इसको चला चला के, 10 से 8 मिनट तक करनी है। फिर हरी मिर्चें जो मैंने मसाला भरी थी, मसाला भरी हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, इसको भी जो है 10 से 12 मिनट तक रख दूँगी दम पर, दम वाली आँच पे इसको रख के इसको ढक दूँगी। थोड़ा पानी शामिल कर दिया था मैंने तो ताकि जो है अंदर से मसाला जले ना, भुनाई हो चुकी थी, ज़रा भी पानी था तो पानी शामिल कर दिया था। अभी कोई दम वाली आँच पर रख दिया था, तो देखें रेडी होने वाला है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त आचारी गोश्त मेरे स्टाइल में मेरे तरीके से रेडी हो चुका है, और आपको मैं सर्व करके दिखाऊंगी। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन स्मूथ किस्म की ये जो है ग्रेवी बन के रेडी हुई है। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चार गोश प्याज डाल के ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही लाजवाब आपका चार गोश बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बहुत ही स्मूथ ग्रेवी आपको मिलेगी और आप खाने वाले वाकई में आपकी उंगलियाँ चूमेंगे सही है और अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये गोश बन के रेडी हो गया चार गोश, आप इस तरीके से बनाइए, खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए, इंजॉय करवाइए, जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक हर उस जगह से आपको रे खुश और नेमतें अता करें जहाँ से आपका गुमान ना हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़।